आपका मैं पुराना पिक्चर देखती हूँ, ये जी पूरा लुक ही चेंज हो गया है आपका, स्मार्ट भी हो गए हो आप पहले को। जी हाँ, ये जी वो बम्पर तो आपकी मेहरबानी की वजह से हुआ है। नहीं, मेरी कोई मेहरबानी नहीं है, आपकी मेहनत है। देखिए आप लोग, मतलब बम्पर है मेरी, दाग धब्बे तो ठीक करता है लेकिन स्मार्ट भी बनाता है हमें, है ना। ये बात तो सही है। क्या ऊपर से मैं बताऊँ आपको, ऊपर से एज भी बहुत ही कम करते हैं। बताए आपको हो गया, आवाज कम आ रही थोड़ी। एज भी बहुत ही कम लगती एज बहुत कम लगता है इससे यूज करने से, है। कुछ दो तीन हमारी लोगों के जो साथ फैमिली है बहुत उनको आप मैसेज दो, क्या क्या आपने यूज किया तो क्या क्या लगा आपको और कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग को हौसला मिले। ही लगती है। हाँ जी, पास में जब लगाया 15-20 दिन तो बैठा मेरे को बहुत काफी सारे वेटिंग हुआ है, इचिंग भी हुआ है। फिर मैंने 2-3 दिन वेट किया, उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया। अच्छा, उसके जैसे कि आप बताते हैं कि पानी ज़्यादा किया, हल्दी यूज किया, सनस्क्रीन का लगाया वो भी किया मैंने। अगर इचिंग हुआ तो बेलू को कौन जरूर लगाया मैंने, वो भी यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है। बाकी मैंने कुछ यूज नहीं किया, बस जितने अच्छा आपने बताया बस उतना। आप खुद देखो ना, मतलब कि आपका जो फेस है और ये पुराना सच में है ना, ये एज कम दिखाता है, एज कम जी ये करता बात है, तो सही स्मार्ट दिखाता है, ये पता नहीं क्या है, पता नहीं। है। और आपको तो कोई बोलेगा भी नहीं, उसका जो बेटी आई बोल के देखने में तो आप काफी और भी यंग लगती है। दो बच्चे मेरे, किस किसी को कोई भी नहीं बोलेगा। सही सही, वैसे भी ना हाँ रियल में भी मुझे कोई नहीं बोलता है कि मेरे बच्चे हैं इस तरह से। ये बात तो सही है। मैं तो कभी पहले पहले जब देखा था मैं सोचती शायद मेरे से हो गया पर बच्चों की नहीं हुआ होगा, मैं सोच रही थी। पर जैसे मैंने आपका वीडियो में देखा आपकी बेटी भी काफी स्मार्ट और यंग भी हो रहे, तो मैंने सोचा अरे इतना बुरी होगी उसकी बेटी। दो है ना, दो बेबी है मेरी, है ना। तो इस तरह से यंग भी दिखाता है, सुंदर भी बनाता है, और क्या चाहिए, क्या चाहिए लोगों को, मुझे समझ नहीं आता कि क्या चाहिए, किस बात को लेके ये लोग इतने कितने नेगेटिव कमेंट करते हैं लोग, कितना लोगों को होपलेस बनाते हैं कुछ कमेंट करने वाले, है ना। तो ये सारी कहते चीजें, किसी को नीचा दिखाना कि अच्छी बात नहीं है। हैं क्योंकि ये सब मेडिसिन मैंने पूछा भी है डॉक्टर के पास, काफी अच्छा है बोला उसने। डॉक्टर और भी अच्छा पर बोला, लिमिट से, हाँ लिमिट से यूज करना चाहिए, पर भी बोला तो काफी अच्छा। ये बात नहीं कि कवर भी हो अनकवर भी जो भी यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करती है। जी, और जितना एज जिसकी जिसकी जितना एज बड़ी बड़ी होती जाएगा ना, जिसकी काफी 40+ 50 उन लोग के लिए तो और भी अच्छा ही है। पता है आपको, क्योंकि हाँ उन लोग का एज इतनी कमती कराती है कि आप बता ही नहीं सकती है। 15-20 साल उन लोग को इतना एज, मतलब तीन एज लगती है उनको, जिसकी एज ज्यादा हो उसकी काफी मतलब रफ हो चुकी है तो और भी बहुत परफेक्ट ही है। और बहुत सारी मैंने कमेंट में देखा कि सेराम किसी के लिए सूट नहीं करता, पर सेराम तो ना सब काफी ज्यादा एज जो डिफरेंट होता है ना, मेन सेराम में होता है वो, सीरम। हम हाँ, जो सेराम ही लगाते हैं वो सेराम में सबसे ज्यादा बेस्ट वो है। कई लोगों को सूट ना करने का रीजन एक ये भी होता है कि लोग ना उसे थोप थोप के लगाते हैं, दवा को हाँ दवा ये बात भी यूज करना चाहिए, उससे 2-3 ड्रॉप यहाँ पे लेना चाहिए, और यूं फिंगर से लेके जहाँ प्रॉब्लम है जी, आपको मैंने थोड़ा हल्का हल्का सा लगाइए आप, उससे उससे आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा, ज्यादा लंबा चलेगा भी, है ना, और उससे आपको नुकसान भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा थोपने की वजह से भी कई लोगों को नुकसान करता है। और स्किन भी काफी टैनिंग होता है इससे। आप पता है इस वक्त कैसे रखते हो, माशाल्लाह, नजर ना लग जाए आपको, किसी की नजर ना लगे, है ना। टच गुड जदू से बोला करें आप, नजर ना लगने का जो भी नुस्खा है आप अपनाओ अपना, ठीक है, क्योंकि वो आपका लग रहा है ना, जैसे किसी मूर्ति को तराशते हैं ना, जिस तरह पत्थर को चिकना बना के बिल्कुल ऐसा तराश के लगते हैं ना, ऐसे लग रहा है आपका फेस अभी, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, वो आपकी वजह से मैं काफी परेशान थी, मैं क्योंकि हमारी स्थिति तो काफी था नहीं ना, गर्मी में जाने के बाद मेरा पिगमेंटेशन ज्यादा हो गया था, तो टाइम नहीं मिला बल्कि मैंने आपको कॉल करने का मौका नहीं मिला, आज टाइम मिला तो मैंने कर लिया हाँ, आपके जी। पास मैं टाइम बोलती कॉल किया था आपको, एक दो बार किया था, शायद आपने रिसीव नहीं किया, क्योंकि आपकी, फिर मैंने दोबारा नहीं किया, आपकी ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है ना, तो मैंने कहा इसीलिए, है ना, शायद बिजी थी ना,
इसको आपने कितना रखा हो गया? मेरा 4 महीने, 4 या 4 मंथ हो गया मैम, क्योंकि मैंने मार्च का 15 से यूज किया ना, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 4 मंथ हो गया मेरा मैम। 4 मंथ हो गया ना आपको। अच्छा आप एक बात बताइए, आप जो हमारी फैमिली को क्या बोलोगे कि यूज करना चाहिए इसे या नहीं यूज करना चाहिए बम्पर रेमेडी? मैं तो सबको बोलती हूँ कि यूज करना चाहिए, और जिसकी एज ज्यादा है उन लोग को तो और भी ज्यादा, अगर सही से यूज करने से काफी और भी फायदेमंद है। जिनकी एज जरूर के लिए तो और भी काफी परफेक्ट है। मैं तो अपनी मम्मी के लिए भी यूज करा गया। सही 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 ठीक है। तो मैं पहले खुद यूज कर चुकी है, मैंने फ्रेंड लोग को बताया हमारे यहाँ का, तो मैं अपनी मम्मी को भी जरूर यूज कराएगा ये। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आगे अब हमें कैसे केयर करना है, जैसे देखिए आप जिस तरह से चलते जा रहे हो, सीरम नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उसे यूज करो, आपके ऊपर है वो। ठीक है, सीरम अगर आप, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बीपी वाइट और ट्राइलुमा है ना, अभी ट्राइलुमा की क्वांटिटी पता है कितना, बिल्कुल इतना जी आपने बताया थोड़ी सी, हाँ अब उससे भी कम कर देंगे, क्योंकि अब अच्छा हो गया ना हमारा, तो जितना भी आप यूज कर रहे थे तो अच्छा हो गया ना, तो बिल्कुल और भी कम कर देंगे, बिल्कुल इतना सा जितना आप यूज कर रहे थे अभी अब तक, चने के बराबर इतना कर रहे होंगे, तो इससे भी आधा कर देंगे हम। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ट्राइलुमा और डीपी वाइट है ना, दोनों को यूं ही मिक्स करेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी है तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, यहीं पे यूज उसको मिक्स करना है इस तरह से, जैसे अपने सिखाया वैसे करती हूं। मिक्स करने के बाद आपने उसको कंटिन्यू ही रखना है, अभी छोड़ना नहीं है उसको। ठीक है, अगर हम उसे अभी छोड़ेंगे कहीं पर भी थोड़ा सा होगा तो उभर के सामने आ जाएगा, वो धीरे धीरे अंदर से जाते 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 चला जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि मैं आपको एक और रेमेडी दे देती हूँ। ठीक है, तो आपने किसी को बताना नहीं, ओके मैम, एक अच्छा मन से बताओगे ना आप, लेकिन उससे किसी को नुकसान हो सकता है इसीलिए नहीं बताना। ठीक है, ओके मैम। तो वो रेमेडी मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं फोटो भेजती हूँ, जब आप उसे मंगा लोगे मैं आपको फोटो सेंड करती हूँ उसका, आप जब उसे मंगा लोगे ना तो आप मुझे कॉल करना, तो मैं आपके प्रोडक्ट से ही बताऊंगी आपको यूज करना, क्योंकि मेरे पास है नहीं तो मुझे मंगाना पड़ेगा डेमो देने के लिए। ठीक है, तो दूसरी बात एक तो ये हो गई, दूसरी बात किसी को नहीं बताना, प्लीज मत बताना, सिर्फ आपके के लिए। वो सेकेंड रेमेडी नहीं है जो मैं आपको दे रही हूँ, दूसरी रेमेडी है, लेकिन आप किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि वो आपके फेस के लिए ही है, तो आप ही यूज करो उसको। ठीक है, ओके मंजरी, वो सबको सूट नहीं करता है ना, नहीं तो मैं वीडियो बना देती सबके। हाँ, जिसके लिए जो नहीं होता है वो नहीं होता है, लोग जिद करते हैं तो गलत करते हैं, मुझे क्या है देने में, मैंने चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो या माँ भी हो, क्या पता आपके की ना आपकी तरह ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो वो मैं पहचान। ठीक है, तो देखिए सीरम है ना, जब अगर मैं ये जो रेमेडी आपको दे रही हूँ उसके बाद आपको सीरम नहीं लगाना है, ठीक है, जब तक अभी आप यूज नहीं करे तब तक लगा लो, बाद में आप रख देना, फेंकना नहीं, कुछ भी फेंकना नहीं, सब काम की चीज है, फेंकना नहीं, बाद में हम उसको। कितना है सीरम अभी आपके पास, सपोज करो मेरे पास सीरम अभी ऐसे 2 वीक का होगा शायद। हाँ, तो आप उसको लगा के खत्म कर दो फाइनल। ठीक है, उसके बाद हम ये जो बचा हुआ है ना आपके पास, ये सारी खा लो, लगा लो आप इसको, उसके बाद आप वो यूज कर, उसको भी आने में टाइम लगेगा, 10-15 दिन तो लग ही जाएगा, एकदम से तो नहीं। कोई बात नहीं, आप उसे आप हमको फीडबैक दीजिए, हम ट्राई करती हूँ कहाँ से मिलेगा। सीरम आप है ना वो बंद कर देना जब हम ये यूज करेंगे, क्योंकि 4 चीजें एक साथ नहीं यूज कर सकते। यूज ओके मैम, ठीक, देखेंगे पहले हम ना पैच पे यूज करेंगे, पूरे फेस पे नहीं यूज करना। ठीक है, पैच पे यूज करो, पैच एक पैच लेना, तो साइड का पैच, फेस का सामने नहीं, यहाँ पे 1-2 दिन, थोड़ा सा 1 घंटा, आधा घंटा इस तरह से लगा के देखना, इतना बड़ा एक पैच साइड का सामने नहीं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ साइड में एक पैच, पैच टेस्ट लेना जरूरी है। ठीक है, तो पैच पे आप यूज करना, देखना कि कुछ रिएक्ट करता है क्या नहीं करता है, फिर आप मुझे बताना, जब आपके पास रेमेडी आ जाएगा तो मैं कंटिन्यू 1-2 दिन आपके साथ रहूंगी, तो आप मुझे उस वक्त बताना उसका कैसा है क्या है, क्योंकि उसको आपको लॉन्ग लास्टिंग यूज करना है लाइफ में। ठीक है, तो इस तरह। श्योर, थैंक यू।